butter, sanghu, bread butter, bread jam, bread pakora. ये बहुत कॉमन हो गया, इसलिए अगर ब्रेड से मैं अलग से कुछ बनाऊं तो चलिए आज ब्रेड के कुछ अलग सा चीज बना के दिखा रही हूँ, जिसका नाम है चीज फ्रेंच टोस्ट। मगर ये देखने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चीज फ्रेंच टोस्ट बनाने से पहले आप दो पीस ब्रेड को एकदम ऐसे ट्रायंगुलर शेप में काट लीजिएगा। देखिए ऐसा ट्रायंगुलर शेप से हमने दो पीस ब्रेड को ऐसा फोर पीस कर लिया। अभी इसको हमने और चीज को कद्दूकस कर लेंगे, थोड़ी सी चीज हमने ऐसा कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हमने ये जो ब्रेड यहाँ पे रखा है, ये ब्रेड को बीचों बीच ऐसे देखिए पूरा आपका जितना मन चाहे, जितना आपने चीज देने पसंद करते हैं इतना पूरा चीज दीजिए और इसको इसके साथ ऐसा अच्छा सा पेस्ट कर दीजिए दोनों ब्रेड को एक साथ। ऐसा हो गया ऐसे, और देखिए ऐसा रख दीजिए। फिर देखिए ब्रेड लीजिए, पूरा जितना चीज चाहिए आपको मन करते हैं पूरा चीज दे दीजिए। चीज देने के बाद बीचों बीच इसको इसके साथ ऐसा पेस्ट कर लीजिए। ये करने के बाद हमने क्या क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या चाहिए फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। ये हमें यहाँ पे देखिए ऑनियन या ग्रीन चिली, और ये है आपका धनिया पत्ता, एक कप दूध मिल्क, और ये एक या अंडा। और इसके साथ मैं और दो चीज यूज करूंगी, वो है काला मिर्च और काला नमक, ये हम यूज करेंगे। अभी देखिए ये जो सारी चीज है यहाँ पे अंडा, ये सारी चीज पहले हम इसमें ले लेंगे सब कुछ। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल ऑलरेडी गैस में हमने गरम बैठा दिया, जिसमें हम फ्राई करेंगे। अभी इसमें ये सारे अंडा फोड़ के इसमें देंगे। अभी इसमें हम ये जो काला मिर्च, थोड़ा सा काला मिर्च दे देंगे और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक अंदाज के हिसाब से दीजिएगा, जितना अंडा लिया उस हिसाब से ये काला नमक हमने दे दिया। अभी इसको पूरा मिक्सअप करेंगे, सबको एक साथ मिक्सअप करेंगे। जब ये मिक्स्ड हो जाएगा तब आपने जो यहाँ पे एक कप दूध रखा है ये इसमें दीजिए, देखिए पूरा मिक्स्ड कर लीजिए। देखिए ये पूरा मिक्स्ड हो गया। अभी मिक्स्ड होने के बाद आपने क्या कीजिएगा, देखिए गैस को पूरा तेज कर दीजिए, ऑयल को तेज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो ब्रेड हमने दो दो ब्रेड को एक साथ, देखिए यहाँ पे हमने दो दो ब्रेड के बीच में हमने ये रखा था चीज, उसको थोड़ा सा दबा दीजिए चीज में, चीज के साथ ये दबा दीजिए ऑयल जब तक थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। देखिए हाँ अभी देखिए गरम हो गया ऑयल। अभी पूरा ये ब्रेड को इसमें पूरा अंडा में दोनों तरफ ऐसा कीजिए, करने के बाद इसको ऑयल में छोड़ दीजिए। देखिए फिर और लिखिए और एक फिर इसको ऐसा कीजिए, फिर अंडा में अच्छा से डुबाइए दोनों तरफ, डुबाने के बाद इसको छोड़ दीजिए। अभी जो हो जाएगा उसको पलट दीजिए,
होंगे, थोड़ा ब्राउन होगा कलर थोड़ा सा ब्राउन आएगा तब आपका लगेगा हाँ ये फ्रेंड्स दो बन गया। देखिए थोड़ा ब्राउन आना चाहिए दोनों तरफ, हाँ देखिए दोनों तरफ ब्राउन हो गया, देखो इधर भी यहाँ पे भी, इसको भी पलट दीजिए। जो हो गया उसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा, ऐसा साइड कर लीजिए और यहाँ रखिए। फिर इसको भी देखिए एक तरफ ब्राउन हो गया, दूसरी तरफ इसको देखिए थोड़ा सा इसको ब्राउन होने दीजिए, ब्राउन जब हो जाएगा तब इसको साइड कर लीजिएगा। देखिए ये भी हो गया, ये भी पूरा ब्राउन हो गया, इसको साइड कर लीजिए और ये हो गया। ऐसा जितना मर्जी आपको जितना खुश इतना कर लीजिए। तो मैं फिलहाल दो करके दिखाई हूँ, यहाँ पे बहुत सारा है, ये भी मैं बनाऊंगी और ये मैंने दो किया। देखिए कितना अच्छा कितना टेस्टी, देखिए जरूर कीजिए, जरूर खाइए, बच्चों को खिलाइए। ये थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा टेस्टी है, बहुत अच्छा है बहुत। ओके बाय।